ये शहरी आजीविका मिशन जो NUM योजना है नगर निगम द्वारा संचालित की जा रही है, उसको हम पूरे बीकानेर के 80 वार्डों में कैंप लगा करके लोगों का जो लोन की प्रक्रिया है, जो स्वयं सहायता समूह है, जो कौशल प्रशिक्षण जो बच्चियां और लड़के जो सीखना चाहते हैं, और स्ट्रीट वेंडर जो हमारे फेरी वाले लोग हैं छोटे, जो उनको 10,000 रुपये का लोन देने का फॉर्म यहाँ पर भर रहा है। कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधा निःशुल्क दी जा रही है, जिसमें आय प्रमाण पत्र हो, नोटरी हो, फोटोकॉपी हो, जो भी व्यवस्था है, फॉर्म भी निःशुल्क भरे जा रहे हैं, तो यहाँ लोगों को ये सुविधा दी जा रही है। हमारा संगठन संस्था का ये मानना है कि लोग अगर नगर निगम में जाकर के इसको भर रहे हैं तो उनके कम से कम 1,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, और उसके 4-5 दिन उनकी अनभिज्ञता के कारण खराब हो रहे हैं, उनसे राहत देने के लिए हमने ये काम किया है। और हम जिम्मेदारी से इन सब फॉर्मों को नगर निगम में जमा कराएंगे। आने वाले समय पर नगर निगम और बैंक द्वारा इनके से बुला करके इनका एक इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद इनको बैंक में भेजा जाएगा, बैंक से इनको लोन की प्रक्रिया होगी। अभी तक कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी का ये 9वां कैंप है पूरे वार्डों में मिला करके, जिसमें करीब करीब एवरेज एक वार्ड में करीब 50 फॉर्म लोन इसके आ रहे हैं, हमारे 2 लाख रुपए लोन वाले जो स्वरोजगार योजना है उसके, और स्ट्रीट वेंडरों के करीब करीब 20 फॉर्म आ रहे हैं रोज, और स्वयं सहायता समूह जो इसका सबसे मुख्य आकर्षक बिंदु है, उसमें जो महिलाएं सरकार की बहुत बड़ी जो जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक है, जो स्वयं सहायता समूह है महिलाओं के लिए बनाया गया है, जिसमें उनके अकाउंट यहाँ पर खोले जा रहे हैं, उनकी टोटल डॉक्यूमेंट लेकर के, जिसमें अगर 3 महीने तक वो अगर बैंक को मेंटेन करेंगे बैंक अकाउंट को 50-50, 100-100 रुपये 3 महीने तक 10 महिला को, सरकार 10,000 रुपये उनको फ्री में देगी, और वो उसके बाद समूह को बढ़ाते जाएंगे। ये योजना हम लोग यहाँ पर लागू कर रहे हैं, जिसमें बैंक SDFC बैंक को भी यहाँ पर हमने बुला रखा है, वो यहाँ पर हाथों हाथ बैंक का अकाउंट भी खोल रहे हैं निःशुल्क लोगों का। योजना है, हमारा प्रयास ये है कि बीकानेर के सभी 80 वार्डों ये कैंप को हम आयोजित करें, और स्थानीय जो पार्षद हैं, चाहे हमारे कांग्रेस के पार्षद हैं, चाहे भी बताएं सर, राजकुमार किराडू, पूर्व सचिव राजस्थान।